हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बाजार में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की असंख्य पेशकशों के साथ खुद को सर्वश्रेष्ठ रखना मुश्किल हो जाता है। आजकल नए इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐसी तकनीक से लैस हैं जो पहले के बाइक या स्कूटर में पहले नहीं दिखी गई है, जिसकी कीमत 10 गुना थी। इसके अलावा वे अब 110 सीसी स्कूटर के बराबर या उससे अधिक बेहतर प्रदर्शन की पेशकश करते हैं और एक ऐसी रेंज जिसके साथ आप दैनिक आधार पर आराम से रह सकते हैं। इसलिए आप अपनी अगली खरीदारी के रूप में बिजली से चलने वाले उस स्कूटर को ना भूलें। हमने बिल्ड क्वालिटी, टॉप स्पीड और इसकी रेंज के हिसाब से भारत के टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक लिस्ट तैयार की है, जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ओला S1 और S1 प्रो। बात करें इसकी टॉप स्पीड की, तो इसमें आपको S1 में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिलती है। वहीं S1 प्रो में आपको 115 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिलती है। और S1 में आपको 0-40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ने में 3.6 सेकंड का समय लगता है। वहीं S1 प्रो में आपको 3 सेकंड का समय लगता है। इसमें आपको 0-60 सेकंड किलोमीटर की स्पीड पकड़ने में S1 में आपको 60 सेकंड का समय लगता है। वहीं S1 प्रो में आपको 5 सेकंड का समय लगता है। S1 में आपको 2 मोड मिलते हैं, वहीं S1 प्रो में आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं। और S1 प्रो में आपको 121 किलोमीटर की रेंज मिलती है, वहीं S1 प्रो में आपको 181 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो बात करें इनके प्राइस के बारे में, तो X1 के हिसाब से S1 की प्राइस 85,099 रुपए है, वहीं S1 प्रो की प्राइस 110,149 रुपए है। नंबर 2, Ather 450X। इसमें आपको टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की देखने को मिलती है। वही इसमें रेंज आपको 116 किलोमीटर देखने को मिलता है। इसके मोटर प्रकार की बात करें, इसमें PMSM का मोटर यूज किया गया है। इसमें चार्जिंग टाइम की बात करें, इसमें आपको 5.45 घंटे का समय लगता है। इसमें आगे आपको डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, वही पीछे भी आपको डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। नंबर 3, Simple 1, जिसमें आपको टॉप स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलती है। वही इसमें आपको रेंज 236 किलोमीटर की मिलती है पर चार्ज पर। इसके चार्जिंग समय की बात करें, इसमें आपको चार्ज करने में 1 घंटा 5 मिनट का समय लगता है। नंबर 3, बजाज चेतक इलेक्ट्रिक। इसमें आपको टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की मिलती है। वहीं इसकी रेंज की बात करें, तो इसमें आपको 95 किलोमीटर की रेंज मिलती है पर चार्ज पर। इसके चार्जिंग समय की बात करें, तो इसमें आपको 5 घंटे लगते हैं पूरे इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने में। इसमें आगे आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, वहीं पीछे आपको ड्रम बार देखने को मिलता है। नंबर 3, TVS iQube। इसमें आपको टॉप स्पीड 78 किलोमीटर प्रति घंटे की मिलती है। वहीं इसमें आपको रेंज 75 किलोमीटर पर चार्ज मिलता है, लेकिन अगर आप इसको इको मोड पर चलाते हैं तो आपको इसमें 83 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है। अगर बात करें इसके चार्जिंग टाइम का, तो इसमें आपको 6 घंटे लगते हैं पूरे स्कूटर को चार्ज करने में। इसमें आगे आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, वहीं पीछे आपको ड्रम बार देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इनमें से आपको कौन सा स्कूटर सबसे अच्छा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बताएगा। अगर आपको इनमें से किसी एक स्कूटर पर पूरी फुल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के साथ नई वीडियो में।